श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद द जे बी ए बी एड कॉलेज में आप सभी छात्र और छात्राएं का हार्दिक स्वागत है। छात्र और छात्राएं, कल हमने उपन्यास की कला के तत्वों के आधार पर मेलाचल की समीक्षा, जो टी वाई बी ए सेमेस्टर 5 में है, वो मेलाचल उपन्यास की समीक्षा भाग 1 के बारे में अभ्यास किया था। लास्ट में हमने देखा था कि उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर जो मेलाचल की तात्विक समीक्षा है, 6 मुद्दों के ध्यान में रखकर कथा वस्तु पात्र या चरित्र चित्रण संवाद योजना देशकाल या वातावरण भाषा शैली और उद्देश्य, तो कल हमने कथा वस्तु का एक पैराग्राफ पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ते हैं, सुनते हैं, ध्यान से सुने। मेलाचल उपन्यास में जो लास्ट में बताया था, पात्रों के आसपास जो मेन पात्र है प्रशांत कमली और इसके साथ साथ बावन दास, कालीचरण, विश्वनाथ प्रसाद, लक्ष्मी आदि पात्रों के आसपास इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। आगे हम पढ़ते हैं, ध्यान से चुने। मेलाचल उपन्यास में पूर्णिया जिले के एक पिछड़े गांव मेरीगंज की कहानी है। नीलहा साहब मार्टिन ने अपनी पत्नी मेरी की मृत्यु हो जाने के बाद इस गांव का नाम मेरीगंज रखा था। पत्नी मेरी की मृत्यु के बाद मार्टिन भी पागल होकर मर जाता है। मार्टिन ने इस गांव में एक अस्पताल खोलने का स्वप्न देखा था, मगर उसके जीते जी यह हो न सका। मेरी की मृत्यु भी मलेरिया की बीमारी से ही हुई थी। उपन्यास का प्रारंभ मेरीगंज में मलेरिया सेंटर खुलने की सूचना से होता है। गांव के लोग इस मलेरिया सेंटर का विरोध करते हैं। मेरीगंज के लोगों में यह भय एवं आशंका है कि अगर यह सेंटर खोला गया तो गांव पर बड़ी विपत्ति आएगी। इस गांव में 4 जाति के लोग रहते हैं, जिनमें ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत और यादव, लेकिन चारों वर्ग के लोग एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। मेरीगंज में संथालों की जाति भी रहती है, जो अत्यंत शोषित एवं प्रताड़ित है। ज़्यादातर लोग अनपढ़ है, अतः इनका कोई अपना वजूद नहीं है। मेरीगंज गांव में राजनीतिक गतिविधियां जोर शोर से चलती है। बालदेव पक्का कांग्रेसी है और महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानता है। बावन दास भी अब कांग्रेस में शामिल हो गया है। कालीचरण सोशलिस्ट है, वह किसानों का मित्र है, अतः वह किसानों एवं मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध भी करता है। तो यहाँ मेलाचल उपन्यास में जो पूर्णिया जिले के एक पिछड़े गांव की बात की गई है, मेरीगंज गांव की, तो यहाँ कहानी में जो नीलहा साहब मार्टिन है, इसकी पत्नी का नाम था मेरीगंज, तो इसके ऊपर से नाम रखा गया मेरीगंज। और पत्नी मेरी की मृत्यु के बाद मार्टिन भी पागल हो गया था, और मार्टिन इस गांव में एक अस्पताल खोलना चाहता था, और उसका स्वप्न यह था कि मैं यहाँ एक अस्पताल खोल सकूं, मगर उसके जीते जी यह तो न हो सका। मेरी की मृत्यु भी मलेरिया की बीमारी से ही हुई थी। उपन्यास का प्रारंभ भी मेरीगंज में मलेरिया सेंटर खुलने की सूचना से ही होती है। गांव के कई लोग इस मलेरिया सेंटर का विरोध भी करते हैं। मेरीगंज के लोगों में यह भय और आशंका है कि अगर यह सेंटर खोला गया तो गांव पर बड़ी विपत्ति आएगी। इस गांव में 4 जाति के लोग रहते हैं, जिनमें ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत आदि और यादव। यहाँ 2-3 टोली भी है, यादव की टोली है, राजपूत की टोली है, ब्राह्मण की और कायस्थ टोली की, इस 3-4 टोली भी है, लेकिन इस चारों वर्ग में लोग एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। और मेरीगंज में संथालों की जाति भी है, और जो अत्यंत शोषित एवं प्रताड़ित के रूप में सामने आती है, और अनपढ़ भी है, इनका कोई अपना वजूद नहीं है। मेरीगंज गांव में राजनीतिक गतिविधियाँ जोर शोर से चलती है। बालदेव पक्का कांग्रेसी है और महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानता है। बावन दास भी अब कांग्रेस में शामिल हो गया है। कालीचरण सोशलिस्ट है, वह किसानों का मित्र है, अतः वह किसानों एवं मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध भी करता है। आगे देखते हैं तत्पश्चात डॉक्टर प्रशांत की कथा के द्वारा
उपन्यास को क्लेवर को आगे बढ़ाया गया है। डॉक्टर प्रशांत की कथा को हम मुख्य कथा के रूप में रख कर भी देख सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत एक अज्ञात कुलशील युवक है। जन्म के बाद उसकी माँ ने प्रशांत को हांडी में बंद करके कोसी नदी के अविरत प्रवाह में बहा दिया था। संयोगवश नेपाल के एक उपाध्याय परिवार को वह हांडी मिलती है। उन्होंने प्रशांत को अनिल कुमार बनर्जी की परित्यक्ता पत्नी स्नेहमयी को सौंप दिया। इस प्रकार स्नेहमयी ने ही प्रशांत का लालन पालन किया। प्रशांत अब दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। वैसे ही उनकी रुचि अभ्यास में बढ़ती जा रही थी। वह मन लगाकर पढ़ाई में ध्यान देता था। तब एक दिन अचानक उनके जीवन में बड़ी आघातजनक घटना घटित हुई। उनके पालक माता स्नेहमयी एक चोपड़ा नामक पुरुष के साथ ब्याह करके लाहौर चली जाती है। इस तरह एकाएक जीवन में स्नेहमयी का चला जाना उनके लिए अत्यधिक कष्टदायी रहा। तो यहाँ जो डॉक्टर प्रशांत मुख्य पात्र के रूप में सामने आते हैं, तो इस उपन्यास में इसका कलेवर भी आगे बढ़ता है डॉक्टर प्रशांत के जरिए। तो यहाँ डॉक्टर प्रशांत की कथा को हम मुख्य कथा के रूप में भी रख सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत एक अज्ञात कुलशील युवक है। जन्म के बाद उसकी माँ ने प्रशांत को हांडी में बंद करके कोसी नदी के अविरत प्रवाह में बहा दिया था। तो संयोगवश यहाँ नेपाल के एक उपाध्याय परिवार को वह हांडी मिली। तो उन्होंने प्रशांत को अनिल कुमार बनर्जी की परिपक्वता पत्नी स्नेहमयी को सौंप दिया। इस प्रकार स्नेहमयी ने ही प्रशांत का लालन पालन भी किया और बड़ा किया। तो प्रशांत अब दिन प्रतिदिन बड़ा तो हो गया, वैसे ही उनकी रुचि अभ्यास में बढ़ती जा रही थी। वह मन लगाकर पढ़ाई में भी ध्यान देता है। तब एक दिन अचानक उनके जीवन में बड़ी आघातजनक घटना भी घटती है। उनकी पालक माता स्नेहमयी एक चोपड़ा नामक पुरुष के साथ ब्याह करके लाहौर चली जाती है। तो इस तरह एकाएक जीवन में स्नेहमयी का चला जाना उनके लिए अत्यधिक कष्टदायी रहा कष्टदायी रहा। तो इतना सब कुछ होने पर भी वह स्थिर रहकर मन लगाकर पढ़ाई करता रहा और अंत तो वह एक दिन उसे अपने लक्ष्य में सफलता भी मिल गई और वह डॉक्टर बनकर समाज की सेवा के लिए तत्पर हो गया। आगे देखते हैं। डॉक्टर प्रशांत के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। सन 42 के आंदोलन में डॉक्टर प्रशांत को कारावास भी भोगना पड़ा, किंतु कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनते ही वह कारावास में से मुक्त होकर मेरीगंज गांव के मलेरिया सेंटर में मलेरिया कालाजार संबंधी रिसर्च करने चला गया। डॉक्टर प्रशांत के इस कार्य का विरोध इसके कई प्राध्यापकों एवं साथियों ने किया, क्योंकि वे जानते थे कि वह उस ग्रामीण अंचल में उपकरण एवं सुविधाओं के अभाव में अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएगा। लेकिन डॉक्टर प्रशांत की सहपाठी यानी ममता उसका समर्थन करती है। ममता के हृदय में ग्रामीण लोगों के उत्कर्ष एवं उद्धार की भावना है। वह चाहती है कि डॉक्टर प्रशांत ग्रामीण अंचलों में जाकर लोगों की सेवा करें। सदियों से यातनामय जीवन जी रहे लोगों का कल्याण हो। तो यहाँ डॉक्टर प्रशांत जो वो अपनी पढ़ाई में तो आगे बढ़ता गया और मन भी उसका स्थिर था, इसीलिए उसके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है और उसमें सफलता भी प्राप्त की और समाज में भी डॉक्टर का जो मान सम्मान है वो भी आगे बढ़ता गया। और डॉक्टर प्रशांत के जीवन में कई बार इसे ऐसे उतार चढ़ाव भी आए। सन 42 के आंदोलन में भी डॉक्टर प्रशांत को कारावास भी भोगना पड़ा, किंतु कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनते ही वह कारावास से मुक्त भी हो गए और मेरीगंज गांव के मलेरिया सेंटर में मलेरिया कालाजार संबंध रिसर्च करने चला गया। तो डॉक्टर प्रशांत इस कार्य का विरोध उसके कई प्राध्यापकों एवं साथियों ने भी किया, क्योंकि वे जानते थे कि वह उस ग्रामीण अंचल में उपकरण एवं सुविधाओं के अभाव में अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएगा। लेकिन डॉक्टर प्रशांत भी अपने सहपाठिनी ममता उसका समर्थन करती है, तो ममता के हृदय में भी ग्रामीण लोगों के उत्कर्ष
एवं उद्धार की भावना देखने को मिलती है। वो चाहती थी कि डॉक्टर प्रशांत भी ग्रामीण अंचलों में जाकर लोगों की सेवा भी करे और सदियों से यातनामय जीवन जी रहे, लोगों का कल्याण भी वो कर सके। आगे देखते हैं, डॉक्टर प्रशांत मेरीगंज गांव में आकर लोगों की दवा करता है तथा रिसर्च कार्य भी। सबसे पहले संशोधित दवा का प्रयोग जानवरों पर करता है। जब यह दवाएं जानवरों पर क्रियाशील होकर लाभ पहुंचाने लगती है तब वह इनका प्रयोग मनुष्य पर करता है। तत्पश्चात एक दिन डॉक्टर प्रशांत अपनी रिसर्च रिपोर्ट में लिखता है कि यहाँ के रोग के दो कीटाणु हैं, गरीबी और जहालत। हैजा की बीमारी में लोग सुई नहीं लगवाते, कुओं में दवा डालने के पूर्व डॉक्टर का विरोध करते हैं। लोगों का मानना है कि डॉक्टर कुएं में दवा डालकर हैजा फैलाना चाहता है। तो यहीं कई लोग ऐसे विरोध भी करते हैं, गांव वाले लोग प्रशांत का, कि लोगों में दवा करना चाहता था। वो रिसर्च पहले डॉक्टर प्रशांत ने किया। सबसे पहले तो वो अपनी दवा के जरिए जानवरों पर क्रियाशील होकर वो उसके ऊपर प्रयोग करता है, तब इनका प्रयोग मनुष्य, इसके बाद इसका प्रयोग मनुष्य पर करना चाहता है। तो एक दिन तो डॉक्टर प्रशांत ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में ऐसा भी लिखा है कि यहाँ रोग दो कीटाणु से फैली हुई है, एक तो मानव जाति में गरीबी और जहालत। हैजा की बीमारी में लोग सुई नहीं लगवाते, तो कुओं में जो पानी होता है इसमें दवा डालने के पूर्व डॉक्टर का विरोध भी गांव वाले लोग करते हैं, और वो मानते हैं कि डॉक्टर कुएं में दवा डालकर हैजा फैलाना चाहता है। तो मेरीगंज के तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की कथा सहायक कथा के रूप में रखी गई है। विश्वनाथ प्रसाद उस इलाके के प्रसिद्ध तहसीलदार हैं। उनकी लड़की कमला को हिस्टेरिया की बीमारी है, अतः वह बार बार मूर्छित हो जाती है। डॉक्टर प्रशांत उनका इलाज करते हैं। उस दौरान कमला डॉक्टर प्रशांत के प्रति आकर्षित होती है। इतना ही नहीं, दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं और फलतः कमला गर्भवती बनती है और पुत्र को जन्म भी देती है। तत्पश्चात डॉक्टर प्रशांत और कमला का विवाह कर दिया जाता है। तो यहाँ मेरीगंज गांव में जो तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद है, तो वो कथा सहायक कथा के रूप में रखी गई है। तो विश्वनाथ प्रसाद उसके इस इलाके के प्रसिद्ध तहसीलदार है, और उसकी लड़की जो इसका नाम था कमला, तो वो कमला हिस्टेरिया की बीमारी से पीड़ित थी, अतः वह बार बार मूर्छित भी हो जाती थी। डॉक्टर प्रशांत उनका इलाज भी करता था। उस दौरान कमला को डॉक्टर प्रशांत के प्रति आकर्षित हो गई। इतना ही नहीं, दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गया। तो फलतः कमला गर्भवती बन गई और पुत्र को जन्म भी दिया। तो तत्पश्चात डॉक्टर प्रशांत और कमला का विवाह भी कर दिया गया। हाँ, तो छात्र और छात्राएं, आज हमने जो उपन्यास के तत्वों के आधार पर नीलांचल उपन्यास की समीक्षा है, वो भाग टू के बारे में अभ्यास किया है। कल हम भाग थ्री के बारे में अभ्यास करेंगे। अस्तु।